दुनिया की उभरती महाशक्ति के तौर पर भारत लगातार सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसी क्रम में इंडियन नेवी को एक साइलेंट किलर सैंड शार्क मिल गई है। दरअसल नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में कलवारी श्रेणी की 5वीं सबमरीन INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। गौरतलब है कि चीन के नापाक मंसूबों को देखते हुए भारत सीमा सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में INS वागीर कई मायनों में खास है। वागीर को नौसेना में शामिल करने के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि INS वागीर हिंद महासागर में अपने साहस का परिचय देते हुए शौर्य गाथा लिखेगी और पूरे समर्पण के साथ भारत की सेवा करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन इन द नेवी, इट्स अ टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन दैट ओल्ड शिप्स एंड सबमरीन्स नेवर डाई। इन कीपिंग विद दैट स्पिरिट, दिस सबमरीन इन फ्रंट ऑफ अस इज अ रीइंकार्नेशन of erstwhile Vagir, which served India and the Indian Navy for 3 decades. A committed sentinel defending our nation's interest in the maritime domain. And Vagir takes its name from the sand fish, a deadly deep sea predator of the Indian Ocean that is both fearless and stealthy. And true to the name, in its new avatar also, she is a lethal platform with a formidable weapon package and state-of-the-art stealth technology. So Vagir will be the third submarine inducted into the Navy in a short span of 24 months. And this is no small achievement and underscores the coming of age of India's shipbuilding industry and the maturing of our defense ecosystem. खासियतों की बात करें तो वागीर को फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ मिलकर मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसे एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया सूचना जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और सर्विलांस के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सबमरीन को समुद्र के तट पर और मध्य समुद्र दोनों जगह तैनात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, डीजल इलेक्ट्रिक क्लास की सबमरीन INS वागीर समुद्र में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। तो समुद्र के भीतर ये एक बार में 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। INS वागीर समुद्र में अधिकतम 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है और लगातार 50 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकती है। दूसरी ओर इस सबमरीन की खास बात ये भी है कि ये बेहद खामोशी के साथ अपने मिशन को अंजाम देती है। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है। ये सबमरीन स्टील्स तकनीक से लैस है, जिसके चलते रडार भी आसानी से इसे नहीं पकड़ पाते। इस सबमरीन में 533 mm के 8 टारपीडो ट्यूब हैं, जिनमें मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। खूबियों को देखते हुए इसे सैंड शार्क का नाम दिया गया है। बता दें कि INS वागीर कलावरी क्लास की 5वीं सबमरीन है। प्रोजेक्ट 75 के तहत पहली सबमरीन INS कलवरी को भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2017, दूसरी सबमरीन INS खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन INS करंज को मार्च 2021 और चौथी INS वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। अब INS वागीर भी हिंद महासागर की शान बन गई है। छठी और प्रोजेक्ट की आखिरी सबमरीन 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। फिलहाल हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने के लिए ये सबमरीन काफी अहम साबित हो सकती है। इस साइलेंट किलर सबमरीन वागीर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।